नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। रात 8 बजे 500 फीट गहरी खाई, 50 बारातियों से भरी बस गिरने की सूचना। अब चुनौती थी इनके रेस्क्यू की। अंधेरा और मुश्किल पहाड़ी इलाका, ऊपर से गहरी खाई में खुद के गिर जाने का डर, लेकिन पौड़ी गढ़वाल के लोगों ने इस डर को मार दिया। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू टीम से दो कदम आगे निकलते हुए वो रोल निभाया जिसके बिना जिंदगियों को बचाना मुश्किल था। हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 21 जाने बचाई गई हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मंगलवार रात एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। ये बस 50 बारातियों को लेकर हरिद्वार के लालगढ़ से काला गांव जा रही थी। सिमड़ी गांव के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया। रात का वक्त था, गहरी खाई और मुश्किल पहाड़ी हालात, बारातियों के रेस्क्यू में यही बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन रेस्क्यू टीम से पहले स्थानीय लोग पहले ही घटना स्थल पर पहुंचे। इन्हें इलाके की भी जानकारी थी, पर गहरी खाई का डर भी, लेकिन मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर ये बारातियों को ढूंढते रहे। SDRF की टीम हादसे के करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंच पाई। इससे पहले स्थानीय लोग और पुलिस 9 लोगों को बचा चुकी थी। एक चश्मदीद ने बताया कि जब हमने मोबाइल की लाइट में बारातियों को खोजना शुरू किया तो कुछ शव ऐसे दिखे जो कई टुकड़ों में बट चुके थे। कई घायल भी थे जिन्हें वक्त पर इलाज मिल गया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।